अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं नुसरुद्दीन चंदा कुक हाउस से। आज संडे का दिन है और आज हम आए हैं जी टेक्सला म्यूज़ियम। तो अभी हम पहुँचे यहाँ पर, तो अभी तो कह रहे हैं कि ये बंद है, तो थोड़ी देर तक आपको टिकट मिलेगा। देखें आप टिकट मिलता है तो फिर हम आपको म्यूज़ियम के अंदर से म्यूज़ियम दिखाएँगे। ये अभी बाहर से हम दिखा रहे हैं, अभी यहाँ हम बैठ के वेट करेंगे थोड़ा सा। इस वक्त हम छलियाँ खा रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल गाइस, हमें यहाँ पर टिकट अभी नहीं मिल रहे, तो हमने सोचा कि आज हम इसको स्किप करते हैं, म्यूज़ियम नहीं दिखाते आपको, तो हम आपको एक सरप्राइज़ जगह पे लेके चलते हैं। तो आज का व्लॉग वहाँ पे बनाते हैं, चलिए चलते हैं हम वहाँ पर। ये देखिए गाइस, हम जा रहे हैं खानपुर डैम, जो हमारी सरप्राइज़ जगह है, वहाँ पर हम आपको ले कर जा रहे हैं। ये देखिए जी, ये बस हम पहुंचने वाले हैं और चारों तरफ पहाड़ हैं यहाँ पे। अभी मेरे ख्याल से कैमरे में नज़र नहीं आ रहे। अभी हम आपको व्यू दिखाते हैं। यार चारों तरफ पहाड़ नहीं है गाइस, ये देखें, ये पहाड़ का छोटा बेबी आया है। यार है तो सही है, देखे तो सही सामने, चारों तरफ पहाड़ नहीं है। पीछे पीछे एक छोटा बेबी था उसका पहाड़ का, ये थोड़ा सा बड़ा बेबी है। नहीं, मुझे तो नजर आ रही है, तुम्हें पहाड़ नजर आ रहा है। ये देखें ये क्या है, ये टीला है, टीला नहीं है, ये देखें, ये पहाड़ नहीं है, ये क्या है, बहुत बड़ा पहाड़ है। और देखें नाज़रीन कितना बड़ा पहाड़ है, ये पहाड़ का बड़ा बेटा है। और पीछे ये देखें गाइस, पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ है। हाँ तो फिर ये देखें, इधर भी फातिमा, इधर से भी दिखाओ जरा, ये पहाड़ का बड़ा बेटा था, वो छोटा है। ये देखें सामने पहाड़, ये कह रहे पहाड़ नहीं है, और हम पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये खानपुर डैम है? नहीं नहीं नहीं, ये खानपुर, ये पुल है। ये को ये क्या जा रहा है नीचे, ये नीचे से दिखाओ फातिमा, ये फिलहाल नाला जा रहा है। कोई नाला तो नहीं लग रहा मुझे, तो कोई अच्छी सी जगह लग रही है। अच्छी सी जगह लग रही है, पानी है नहीं इसके अंदर अच्छी सी जगह, और है कोई इससे पानी वैसे। अभी खानपुर डैम आ गया, अभी खानपुर कितना दूर है, 3 किलोमीटर। अच्छा, रास्ता भी बहुत प्यारा है, दरख्त साइडों पे। हाँ जी, पहुँच गए हम लोग खानपुर डैम। ये देखिए हम पार्किंग वाले, ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। 50-100 रुपए हमसे पार्किंग लेंगे, इंशाल्लाह हम इनको पार्किंग देंगे। लोग यहाँ तफरी मनाने के लिए आते हैं। जगह इतनी प्यारी है, देखिए जगह बहुत अच्छी है, पानी बहुत ठंडा है यहाँ। अच्छा, वो पैराशूट भी वो कर रहे हैं, उससे भी लगे हुए हैं ना पैराशूट। ये देखें जी, हम पहुंच गए हैं खानपुर डैम। पानी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन ग्रीन पानी है, और वो पैराशूट ग्लाइडिंग हो रही है वहाँ पे, आपको शायद नज़र आ रहा हो, और बोट्स चल रही हैं इसके अंदर। उतरते हैं, उतर के फिर आपसे बात करते हैं। पानी कितना खूबसूरत है, ये पानी ग्रीन क्यों है, है ना? ये हम बोट में बैठ गए, अब हम बोट से चक्कर लगाएंगे डैम का। तो ये इनका डिफरेंट रेट्स है इनके। ये हमारा बोट में है, और ये हम चक्कर हम लगाने जा रहे हैं, गाइस साथ साथ हम आपको दिखाते जाएंगे। पहनना कैसे है, ये हमारी लाइव जैकेट है पहन के, अब हम अभी जाएंगे। ये हमने लाइव जैकेट्स पहन ली है, और अब हम ये चक्कर लगाने जा रहे हैं, बहुत ही मज़े का लग रहा है यहाँ पे। ये बाबा हैं, और ये तलाने जैकेट पहन ली है। ये देखें जी, व्यू देखें आप, व्यू चेक करें, और ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा है।
पानी ठंडा है चला। व्यू चेक करवाओ सामने करो। कानपुर की नहर जा रही है जिसमें लोग नहाते हैं। पहले तो ये बड़ी अच्छी होती थी, साफ सुथरी, अब तो बहुत ही गंदी हो गई है। मुझे लगता है सफाई का, कोरोना जब से आया ना, यहाँ पर सफाई का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। हर जगह गंद ही गंद बिखरा हुआ है यहाँ पर। तो वही एरिया ज़्यादा अच्छा था पहले वाला। चलो अब हम यहाँ से, ये नहर है उसकी, कानपुर डैम की, तो इस नहर में लोग नहा रहे हैं। हम चाह रहे थे पानी में जाना, लेकिन पानी बहुत तेज़ है इसलिए पानी में नहीं जा सकते हम। तो अब हम जाएंगे घर वापस, खाना खाएंगे। पहले खाना खाएंगे यहाँ पे, सुने टिक्के बड़े मज़े के होते हैं। ये जोलियाँ जो रास्ते में एक स्टॉप आता है वहाँ पर, कबाब बहुत मज़े के होते हैं, तो हम वो कबाब खाएँगे, तो आपको साथ साथ हम दिखाएँगे। तो अब हम जा रहे हैं, तल्हा नहा रहा है यहाँ पर, तल्हा वापस आए तो फिर हम जाएंगे, तो फिर हम दिखाते हैं आपको यहाँ का खाना कहाँ से अच्छा मिलता है। यहाँ यहाँ पर हम कबाब खाने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल घरेलू का माहौल है। ये देखें, ये चेयर लगा रहे हैं। सबसे मशहूर दुकान है ये, यहाँ रास्ते में जोलिया के साथ यहाँ की मशहूर दुकान है खाना आ गया हमारा। ये देखिए कितने मजे के ये चप्पल कबाब आए हैं। ये जोलियां एक मस्जिद, जोलियां के करीब मस्जिद उसके साथ है ये होटल भोला चप्पल कबाब के नाम से। तो ये वहाँ के कबाब हैं, ये देखें ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। ये चटनी है साथ में, हमने बोतल मंगवाई है, रोटियां हैं, सैलड, फ्रेश सैलड बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल अभी अभी फ्रेश इन्होंने सब्जियां तोड़ के काट के दिया है। और अचार भी है इसके साथ, पिकल है, ये हरी मिर्चें और एग शेक सब डला हुआ है। तो अब हम खाना खाएँगे, फिर खाना खाने के बाद हम आपसे बात करेंगे।